हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। और फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का वीडियो विशेष है। आज मैं आपको 21 जून को लग रहे सूर्य ग्रहण के दान के बारे में बताऊंगी, जिसमें मैं आपको राशि अनुसार दान बता देती हूँ कि जिसकी जो राशि हो वो अपने हिसाब से जो है वो दान कर ले। याद रखें, दान हमेशा क्षमता के अनुसार किया जाता है, जरूरत से ज़्यादा भी नहीं। कि आपकी क्षमता नहीं है, जो क्षमता है वो करें, ज़रूरतमंद को दान दें। अगर किसी को एक कील की ज़रूरत है और अगर आप उसे ज़रूरत के समय वो कील दे देते हैं तो वो महादान में उसकी गिनती होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि का जो एक है वो ये है कि वैसे भी सूर्य ग्रहण के बाद साफ सफाई और पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। ऐसे में मेष राशि के जो लोग हैं वो हनुमान जी की प्रार्थना करें, ग्रहण खत्म होने के बाद वस्त्र का दान करें, लाल चीज़ों का दान कर सकते हैं, मसूर की दाल का भी आप जो है वो दान कर सकते हैं। तो इनमें से किसी एक चीज़ का दान कर सकते हैं अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार, कि आपके सामर्थ्य क्या है, सामर्थ्य अनुसार ही दान करें। उसके बाद हम करते हैं बात वृषभ राशि की। तो इस राशि के जो लोग हैं वो ग्रहण के बाद चावल, चीनी का दान करना चाहिए, कपूर, सफ़ेद कपड़े या दूध से बनी वस्तु का दान भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें सफ़ेद रंग की चीज़ों का जो है वो दान करना है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो इस राशि के जो लोग हैं वो मूंग की दाल का दान करें, साथ ही पत्तेदार सब्जी, हरे रंग के वस्त्र का दान कर सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो इस राशि के जो लोग हैं वो दही, दूध, सफ़ेद कपड़ा, चांदी की चीज़, चीनी जो है वो दान कर सकते हैं, चावल भी दान कर सकते हैं। इन सबको दान करने से आपके जीवन के समस्त संकट जो है वो दूर हो जाते हैं। अब बात हम करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क के लिए मैंने बता दिया, सॉरी। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के जो लोग हैं वो सिक्का, तांबे का सिक्का, गेहूँ, दाल, मतलब लाल रंग की कोई भी चीज़ आप दान करिए, आपके लिए अति उत्तम होती है। कन्या की बात करें तो कन्या राशि वाले सब्जी, गाय को रोटी, हरा चारा, हरे रंग की मूंग की दाल, हरे रंग के वस्त्र, आप ये सब दान कर सकते हैं। इसको दान करने से आपके भी जो समस्त संकट हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि बुध हैं इसलिए आपको हरे रंग की चीज़ों का दान करना अति उत्तम माना जाता है। अब इसके बात करते हैं हम तुला की। तो तुला राशि के जो लोग हैं वो अगरबत्ती किसी कन्या को दान करें, मंदिर की साफ सफाई करें, इन्हीं चीज़ों से जो है इनका उद्धार हो सकता है। तो आप पूजन की सामग्री, कोई भी पूजन की सामग्री, धूप, अगरबत्ती, दीपक, कपूर, इस टाइप की चीज़ों का जो है वो दान कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जो लोग हैं वो पीली वस्तुओं का दान करें, पीली मिठाई, गुड़, कपड़ा, हल्दी, पीले रंग की दाल, आप इन चीज़ों का दान कर सकते हैं, इसको आपको विशेष लाभ मिलता है। धनु राशि की अगर हम लोग बात करें तो विष्णु जी की पूजा करें, अन्न का दान करें, चना, बेसन, घी, केसर आदि का दान आप करें, आपको विशेष लाभ हो जाता है इन चीज़ों से। मकर राशि की अगर बात करें तो इस राशि के जो लोग हैं वो तिल का दान अवश्य करें, चना, उड़द, पापड़, सरसों, काजल का भी दान कर सकते हैं। तो जैसे कि शनिदेव की स्थिति है तो आप कुछ भी दान इनमें से कोई भी एक दान कर सकते हैं। मैंने कई ऑप्शन आपको बता दिए, आप इनमें से कोई एक चीज़ जो है वो ले सकते हैं। कुंभ अगर इस राशि की बात करें तो यहाँ भी स्वामी जो है वो शनि हैं, तो इन्हें ग्रहण के बाद ज़रूरतमंद जो लोग हैं उन्हें भोजन का, तेल का, ईंधन का, आटे का, पक्के भोजन का, कच्चे भोजन का और लोहे की चीज़ का दान आप कर सकते हैं, आपको विशेष लाभ देगा। मीन की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ जो है इस जाति के जो जातक हैं इस राशि के वो केले का, चने की दाल का, पक्षियों के लिए दाना, पानी, ज़रूरतमंदों को वस्त्र का दान अवश्य करें। किसी को भी आप इनमें से कोई भी एक चीज़ दान कर सकते हैं, बहुत बड़ी समस्या जो है वो नहीं है। छोटी मात्रा में, जैसे कहीं एक किलो दाल दान करनी है आप 250 ग्राम ही कर दीजिए, 100 ग्राम करनी है आप 50 ग्राम कर दीजिए। दान हमेशा क्षमता के अनुसार किया जाता है, क्योंकि बहुत से लोग करेंगे हमारे पास तो नहीं है हम कैसे दान करें, तो आप तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बताते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे कि चीनी दान करनी है तो आप एक चम्मच भी चीनी दान कर सकते हैं ज़रूरतमंद को, वस्त्र के रूप में आप ब्लाउज पीस या 25-30 रुपए का आता है, अस्तर का कपड़ा या एक तो रुमाल ही सही, आप कुछ भी दान कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण के बाद हो चाहे चंद्र ग्रहण के बाद हो, दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उनका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है। जो सिंह राशि के लोग हैं सूर्य ग्रहण का प्रभाव उन पर थोड़ा सा कम पड़ता है, लेकिन फिर भी पड़ता है, तो आप लोग दान अवश्य करें।
हर चीज का कलयुग में दान के सहारे ही उद्धार हो सकता है, और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। तो आप दान अवश्य करें, थोड़ा ही मोड़ा करें, टूटा टाटा ही करें, लेकिन करें ज़रूर। तो मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप कोई नई वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे सजेशन दीजिएगा, मैं वीडियो शूट करके आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।